हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम आपको पाड़ी बनाना सिखाएंगे, किस तरीके से आप पाड़ी बना सकते हैं। अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा, जब आपके समझ में आएगा पाड़ी किसे कहते हैं, और आपको मैं बिरोल भी दिखा दूंगा पाड़ी किसे कहते हैं। तो आपको वो बनाना सिखाने वाला हूँ, हर साइज की बना के सिखाऊंगा, छोटी बड़ी सब साइज का बना के सिखाऊंगा। और आज हमारा तीसरा दिन है सिखाने का, आपने दो वीडियो डाल चुका हूँ, तो आप उनको जाके देखिए, फिर उसके बाद ये देखेंगे तो आप एक धीरे धीरे एम्ब्रॉयडर बनेंगे। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको मैं सिखा रहा हूँ, आपको YouTube पे ऐसी वीडियो नहीं मिलने वाली जितनी मैं आपको डिटेल के अंदर सिखा रहा हूँ। तो अब बताता हूँ आपको किस तरीके से आप पाड़ी बना सकते हैं। ये हमारे पास वही फ्रेम है जिस इसी कपड़े पे आपको मैं बना के दिखा रहा हूँ, जिस पर हमने जिगजैग बनाई है, इस पर हमने मटर माला बनाई है, और आज हम बनाएंगे इसके ऊपर पाड़ी। पाड़ी भी हम हर साइज की बनाएंगे, चार पाँच साइज की आपको बना के दिखाने वाला हूँ, जिससे पिछली वीडियो में मैंने आपको मटर माला भी सिखाई और जिगजैग भी सिखाई। तो सबसे पहले सबसे बड़ा साइज बना के दिखाता हूँ पाड़ी का, कितना बड़ा साइज बना सकते हैं आप, और जितना आपका टाका होगा मशीन का कितना बड़ा आप ये साइज बना सकते हैं। और ये धागे का भी ध्यान रखें, कैसे टाइट लूज नहीं आए, तो उस तरीके से आप धागा ले सकते हैं, आपका फिनिशिंग आएगी। और जब भी आप बनाएं, तो आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आप पहले कंट्रोल करना सीखें मशीन को, किस तरीके से कंट्रोल होती है, फिर उसके बाद आप मटर बनाना सीखिए, फिर जिगजैग बनाना सीखिए, फिर आपको पाड़ी बनाना सीखना चाहिए। और जिस आपको ऑलरेडी मशीन कंट्रोल करना आती है तो आप धीरे धीरे इस चीज़ को फॉलो करके आप बना सकते हैं। ये साइज़ की पाड़ी बनाई है हमने। अब आपको मैं दूसरा साइज़ बना के दिखाता हूँ, उससे छोटा साइज़ रहेगा, वो आप बना सकते हैं। साइज़ का इस जिगजैग से होता है, जो उसका टाका है उससे आपको साइज़ का पता पड़ेगा किस साइज़ से आप बना सकते हैं। और आप बिल्कुल स्लो आपका हाथ का कंट्रोल जो होना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, पहले फ्रेम के ऊपर, फिर आपको मशीन के ऊपर, फिर आप इसके ऊपर बनाएंगे जब आपकी ऐसी फिनिशिंग आ पाएगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि कंट्रोल कैसे करना है आपको हाथ को। और आप मेरे को कमेंट करेंगे, आप फ्रेम की नॉलेज भी मैं दे दूँगा किस तरीके से आपको कंट्रोल करना है फ्रेम को। तो आप ज़्यादा कमेंट होंगे तो मैं आपको कंट्रोल करना भी बता दूँगा फ्रेम के लिए। तो इस तरीके से ये वाला साइज़ बना सकते हैं, इससे छोटा साइज़ आप एक और बना के दिखाता हूँ आपको, हर साइज़ से बना के दिखाता हूँ आपको, जिससे नॉलेज हो जाए आप किस तरीके से डिज़ाइन में कौन सा डिज़ाइन डाल सकते हैं। ये और छोटा है, और ये जितनी भी आपको मैं चीज़ सिखा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक चीज़ है, और ये हर काम में आती है, हर बड़े डिज़ाइन में काम में आती है। आप इनसे कटवर्क कर सकते हो, आप इनसे डिज़ाइन बना सकते हो, ब्लाउज़ की बॉर्डर बना सकते हो, साड़ी की बॉर्डर बना सकते हो, आप इस सब के काम इन चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों से ही मिलते होते हैं, सारे डिज़ाइन जो बनते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों से बनते हैं। तो इन ट्यूटोरियल को मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ आप एक अच्छे एम्ब्रॉयडर बन जाएँ और आप कुछ डिज़ाइन बना पाएँ अपने लिए और दूसरों के लिए। अब इससे छोटा साइज़ बना के दिखाता हूँ आपको, इसमें ज़्यादा साइज़ नहीं बना पाएंगे हम, 5 साइज़ बना पाएंगे इसके अंदर, क्योंकि इसके टाके का रहता है, ज़्यादा छोटा साइज़ इसमें चलता नहीं है। और इसका जितना छोटा साइज़ होता रहेगा जितना पाड़ी का शेप नहीं आएगा, तो बड़े साइज़ के अंदर पाड़ी का शेप आता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए तो आप आराम से डिज़ाइन बना पाएंगे। और आप इसकी नोकों का भी अच्छा सा ध्यान रखेंगे, जब भी नोक बन पाएगी, और आपसे ये एकदम नहीं बन पाएगी, आपको 10-15 दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगी आप जब बना पाएंगे इस तरीके की चीज़ें। अब एक और साइज़ बना के दिखाता हूँ मैं, समझ छोटा साइज़, इससे ज़्यादा छोटा साइज़ चलता भी नहीं है और काम में भी नहीं आता, तो आप ये 5 साइज़ ही बना के देख लें, बिल्कुल छोटी चीज़ के अंदर ये काम में आएगा, बिल्कुल छोटा डिज़ाइन के अंदर काम में आएगा, जब आप बारीक बॉर्डर बनाओगे उसके अंदर ये काम में आएगा, ज़्यादा काम में नहीं आने वाला, बड़ी चीज़ में काम में नहीं आने वाला, बड़े डिज़ाइन में काम में नहीं आने वाला ये। आप आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे मशीन को कंट्रोल करते हुए बनाइए, और आप इसकी प्रैक्टिस करिए, 10-15 दिन प्रैक्टिस करेंगे आप तो आप बना पाएंगे। फ्रेम की प्रैक्टिस करिए, मशीन कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करिए, जब आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये इस तरीके से सारे डिज़ाइन बना पाएंगे। तो मैंने आपको चारों पाँचों डिज़ाइन बना के दिखाए किस तरीके से आप डिज़ाइन बना सकते हैं।
और सब में बेसिक जो होता है वो इस तरीके का होता है। इस तरीके से अब जो हम बनाते हैं ये ज़्यादातर रनिंग के अंदर है, तो आप भी इनको बनाना सीखिए और आप काम कर सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कैसे आप पाड़ी बना सकते हैं और आप कैसे डिजाइन कर सकते हैं। इसको एम्ब्रॉयडरी भाषा में पाड़ी कहते हैं। और आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे को कंप्लेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट का जवाब दूंगा। कुछ भी किसी भी रिलेटिव एम्ब्रॉयडरी से रिलेटिव आप कुछ भी कमेंट करना हो तो मैं आप कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।